एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जर्नल पब्लिक के लिए बड़गाम मर्डर केस के हवाले से। जिस जिस शख्स ने भी सोशल मीडिया पे उस बहन का फोटो अपलोड किया या उसका वीडियो वायरल किया है, उसकी सही आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश की है, उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उन लोगों को बुक भी किया जाएगा, क्योंकि आप किसी की प्राइवेसी को जो है वो शरेआम ला रहे हैं। इसी हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है जो बड़गांव मर्डर है, इसमें हमारे पास ये इतला निकल कर आ रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है बड़गांव, उन्होंने आज सैटरडे के रोज जो है वो डायरेक्शन दी है पुलिस को कि आप FIR अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ लगाएं जिन लोगों ने उस बहन की फोटो या वीडियो को जो है वो अपलोड किया है सोशल मीडिया के ऊपर और उसकी आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश की है, और जो तस्वीर नाकाबिले कबूल है, जिन तस्वीरों को हम नहीं देख सकते हैं, वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की हैं, वो वीडियोस अपलोड करने की कोशिश की हैं जो वीडियोस हम नहीं देख सकते हैं। उस हवाले से अब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बड़गाम है, उसने एक ऑर्डर जारी किया है जिसकी कॉपी कई सारे न्यूज चैनल्स के पास पहुंची है और ये डायरेक्शन दी है SSP बड़गाम को कि आप FIR लॉन्च करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उस वीडियो को सर्कुलेट किया है और उन पिक्चर्स को सर्कुलेट किया है जो विक्टिम है उसकी, जो वो खातून थी जिसके साथ वो दर्दनाक वाक्या पेश आया था। इसी जिमन में ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि मीडिया को भी ये हिदायत दी है, यानी कि हम लोगों को भी ये हिदायत दी गई हैं और जनरल पब्लिक को भी ये कहा गया कि आप बराए मेहरबानी करके जो वीडियो सर्कुलेट किए हुए हैं उन्हें डिलीट करें, जो वीडियोस आपने या जो तस्वीरें आपने सर्कुलेट की हैं उन्हें आप डिलीट करें। और जनरल पब्लिक से ये रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि जो विक्टिम है उसकी जो आइडेंटिटी है, शनाख्त है, वो दिखाने की कोशिश ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की हैं जिन न्यूज़ चैनल्स ने, जिस किसी भी शख्स ने अपनी सोशल मीडिया की आईडी से, उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये वायलेट करता है राइट टू प्राइवेसी ऑफ द विक्टिम ऑफ हर फैमिली। तो इसलिए अब इस तरीके से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है और जो जो लोग इसमें फंसेंगे उन सब लोगों पे जो है वो कार्रवाई होगी, चाहे उसमें कोई एजेंसी हो या चाहे उसमें कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस चीज की जो है वो वक्ती तौर इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है वो दी हो सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करके या फिर उसकी जो है फोटो अपलोड करके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हम खबर दे रहे हैं या हमने इससे पहले न्यूज ब्रेक की है, वो एक अलग बात है, हमने उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, उसका नाम नहीं लिया, उसकी फैमिली का नाम नहीं लिया, विक्टिम का फोटो नहीं दिखाया, विक्टिम की जो है वो डेड बॉडी की फोटो नहीं दिखाई, तो वो एक अलग बात है, वो एक खबर है। लेकिन जिन लोगों ने उसकी तस्वीर, जो उसकी रियल फेस है वो दिखाया है, या जिन लोगों ने उसका वीडियो अपलोड किया है और वो सब चीजें की, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, उन्हें बड़गाम पुलिस जो है वो बुक करेगी। अब इसमें ये भी बताया गया है कि जो जो लोग इसमें मुलविज हैं उन सब लोगों पे कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई जो है ये सख्ती के साथ बरती जाएगी और इसमें जो भी कोई मुलविज होगा उसके ऊपर कार्रवाई सख्त तरीके से की जाएगी। हालांकि स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट बड़गाम रिक्वेस्ट करते हैं और ये डायरेक्शन देते हैं तमाम सोशल मीडिया एजेंसीज को कि आप वो तस्वीरें रिमूव करें जो विक्टिम की हैं और आप वो सब वीडियोज रिमूव करें जो आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाले हुए हैं और उन सबको ब्लॉक करें और उन तमाम वीडियोस को जो है वो आप वहां से हटाने की कोशिश करें और कोई भी अगर इस चीज में पाया गया वॉयलेशन करते हुए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वक्ती तौर बुक भी करेगी। तो अब कार्रवाई जो है वो बहुत बड़ी होने जा रही है, वो सोशल मीडिया आउटलेट्स, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो एजेंसीज, वो फेसबुक पेज, वो फेसबुक सो कॉल्ड पेज जिन्होंने उस बेटी का, उस विक्टिम का फोटो अपलोड किया, हालांकि ये राइट टू प्राइवेसी को लेकर जो है वो वॉयलेशन है, उसके साथ साथ जिन लोगों ने उसके वीडियोस को अपलोड किया, उसकी शनाख्त दिखाई, उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया, उसका नाम का जिक्र किया, उसके वालदेन का नाम का जिक्र किया, उन सब लोगों पे भी जो है वो अब कार्रवाई की जाएगी। और बराए मेहरबानी करके जिन लोगों ने भी अपलोड किया है वो अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से इसे डिलीट कर दें, अपने पेज से डिलीट कर दें, अपने फेसबुक हैंडल से डिलीट कर दें इन वीडियोस को, अदरवाइज पुलिस आइडेंटिटी कर रही है कौन कौन से पेज से, कौन कौन से लोग हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन न्यूज चैनल्स ने सिर्फ खबर ब्रेक की है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एज पर मीडिया पॉलिसीज, उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वॉयलेशन किया है राइट टू प्राइवेसी को
को का जो एक वायलेशन उल्लंघन किया है उन सब लोगों पे जो है वो कानूनी कार्रवाई बरती जाएगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये अपडेट है, इसे आप हल्के में ना लें, क्योंकि स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ने भी ये डायरेक्शन दी है और ये रिक्वेस्ट भी की है कि सब लोग उन पेज के ऊपर से ये वीडियोस डिलीट करें और उन पेज को जो है वो ब्लॉक कर दें, या फिर जो लोग इसकी वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। नो डाउट उन पे कार्रवाई होनी भी चाहिए जिन लोगों ने तस्वीरें, नाम और आइडेंटिटी दिखाई है। अब देखिए चंद लोग बड़ी घटिया सी ना व्यूवरशिप के लिए या बड़ी घटिया सी टीआरपी के लिए तस्वीरें दिखाते हैं ओपनली, तो तस्वीर कभी भी नहीं दिखानी चाहिए किसी भी ऐसी विक्टिम की जिसके साथ इतना दर्दनाक वाक्या पेश आया हो, जिसके साथ इतना दिल दहलाने वाला वाक्या पेश आया हो, उसका नाम हमेशा विधाइल्ड होना चाहिए। और कुछ लोग तो नाम भी दिखा देते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है समाज के अंदर भी और कानून के अंदर भी। और दूसरी बात यह है कि जो जो आइडेंटिटी होगी जिन जिन लोगों को इसमें मुलव्वज़ पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें बुक करेगी और खास तौर पे उन सब लोगों के ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई बरती जाएगी। और ये एक बड़ा एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करने जा रही है, कुछ ही समय में ये एक्शन का रिएक्शन भी होगा और इस रिएक्शन के अंदर जो एक्शन होगा उस एक्शन में भी आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप देख लें कि आपने फोटो डिलीट करनी है, वीडियो डिलीट करना है जो जो सर्कुलेट किया हुआ है, या आपने आपको बुक करवाना है, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। और ये रिक्वेस्ट भी किया आप लोगों से बार बार कि आप ऐसे काम मत किया करें, बट उसके बाद भी आप लोग करते हैं ना जाने क्यों। जब आपको मालूम है कि यार एक विक्टिम है, जब आपको मालूम है कि एक बच्ची है, एक बेटी है, उसकी आइडेंटिटी, उसका फेस हम नहीं दिखा सकते, ब्लर करना है हमें उसका चेहरा, हम फिर भी उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल क्लोज करके दिखाते हैं सोशल मीडिया में कि जी ये है विक्टिम जी, आप देख लें, इनके वालिद साहब का ये नाम है, इनकी वालदा का ये नाम है, ये इस इलाके की है और ये है चीज है। हमें उसका नाम, उसके वालदैन, उसकी फैमिली का डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है, हमें सिर्फ उसकी खबर देनी पड़ती है इस लिहाज से कि जनाब इसके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी प्राइवेसी है, उसके भी वालदैन है, उसकी भी घर फैमिली है। और अगर हम ऐसे हालात में इन चीजों को रिवील करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गलत बात है। और आप सब लोगों को ये मैं कहना चाहूंगा कि आप ब्राय मेहरबानी करके इस चीज को लेकर जो है वो थोड़े से सीरियस मूड में रहें, क्योंकि आज 18 मार्च का दिन है और आज के दिन इस तरीके के एक्शंस के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस तैयार है, और हालांकि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस चीज के लिए तैयार है। तो आप अपने आप को जो है वो हिफाजत में रखें, हिफाजत में तब रख सकते हैं कि अगर आपने कहीं पे कुछ अपलोड किया उसे डिलीट करें, और अगर कहीं पे कुछ ऐसा अपलोड करने जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी करके ना अपलोड करें और उसकी आइडेंटिटी, और जो लोग इसमें मुलव्वज पाए गए उन्हें बुक किया जाएगा। कई सारे लोगों की आइडेंटिटी हो चुकी है, शनाख्त हो चुकी है, और कई सारे लोगों को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस इस जिमन में, इस इवज में बुक भी करेगी, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने राइट टू प्राइवेसी वायलेशन किया है और उसकी फैमिली और उसकी शनाख्त को दिखाने की कोशिश किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और बराए मेहरबानी करके आप लोग इस चीज में जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। और अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, किसका किसका वीडियो, मैं वही वीडियो की बात कर रहा हूं जनाब जो कुछ दिन पहले हादसा पेश आया था डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर, जिस एक बहन का बड़ा दर्दनाक तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया था, आप सब लोगों को मालूम है और आप सब लोग जानते हैं, और जिसके बाद बड़गाम के इलाके के अंदर मातम छाया हुआ था, बल्कि बड़गाम नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर माँ, हर बाप, हर बहन, हर बेटी, हर भाई रो रहा था और सब लोग उसके जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे थे। मैं उसी विक्टिम की बात कर रहा हूं, अब नाम तो हम नहीं बताएंगे लेकिन विक्टिम की, मैं उसी विक्टिम की बात कर रहा हूं। अब आपको समझ आ गई होगी मैं किस विक्टिम की बात कर रहा हूं। अगर आपने उसका कोई वीडियो अपलोड किया है, फोटो वगैरह अपलोड किया, उसकी आइडेंटिटी दिखाई है, तो उसे डिलीट करें, अदरवाइज आपके साथ सख्त कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से की जाएगी, और इसमें जो जो भी मुलव्वज़ पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई जो जम्मू कश्मीर पुलिस करने जा रही है। तो फिलहाल इस तरीके से ऐसे मामलात में पेश नहीं आना चाहिए, बल्कि ऐसे वक्त के बीच में जो है वो आप वक्ती तौर अपने दिमाग से और अपने होशो हवास में रहकर जो है वो काम किया करें। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलव्वज़ है उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी होगी, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियोस डिलीट नहीं किए, वो पिक्चर्स डिलीट नहीं की, उन सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक नहीं किया, उन लोगों पर भी कार्रवाई होने जा रही है। मेरा फर्ज था आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आगे आपका फर्ज है आप आगे 10 लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं, या फिर आप उस पर जो है वो वक्ती तौर अमल करें, या फिर कानून का सामना करें, फेस करें एक्शन जो आप पे होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आमिर के साथ एक छोटी सी पेशकश।